हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास एट का सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम है उसको देखते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द शेर मैसूर, तो टीपू सुल्तान भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस्लाम की आयु 12 वर्ष है, वह रेस्टोरेंट में वेटर का कार्य करता है। बताइए इस्लाम के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। इस्लाम इज ए 12 ईयर ओल्ड, ही वर्क्स इन ए वेटर इन ए रेस्टोरेंट। विच फंडामेंटल राइट ऑफ इस्लाम बींग अ वायलेटेड, तो यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइट हो रहा है ना, वो 16-12 साल का है, अभी काम नहीं कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे देश के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए। इस विषय में निर्णय लेने का अधिकार किसका है। विच गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू डिसाइड द सब्जेक्ट हाउ शुड बी आर कंट्री रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये किसका अधिकार है। केंद्र सरकार इस तरीके का जो भी डिसीजन है वो ले सकती है। किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्च की नीति की शुरुआत हुई थी। अंडर द लीडरशिप ऑफ विच गवर्नर जनरल वॉज द पॉलिसी ऑफ द फार्मेसी स्टार्ट, तो लॉर्ड हेंगस्टिन। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनीता को महिला होने के कारण मैनेजर के पद पर नियुक्त होने से रोक दिया गया। बताइए अनीता के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अनीता वॉज द बैरेट फ्रॉम द बिगिन अपॉइंटेड एज ए मैनेजर बिकॉज शी वॉज ए वुमन। शी इज़ ए वुमेन। विच फंडामेंटल राइट अनिता इज बिकम वायलेटेड, तो यहाँ पे समानता का अधिकार। समानता, देखो मेल और फीमेल सब समान होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे समानता का अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। बैरकपुर में किस भारतीय ने अंग्रेज अफसर पर हमला कर 1857 के बगावत की शुरुआत की थी। मंगल पांडे। हु स्टार्टेड द रिबेल इन द 1857 बाई अटैकिंग द ब्रिटिश ऑफिसर इन बैरकपुर। मंगल पांडे भी आंसर यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। वैदिका फार्म मृदा संरक्षण का एक उपाय है। ट्रेसिंग फार्मिंग इज ए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सही है ये स्टेटमेंट। मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए खतरा है। डेजर्टिफिकेशन इज द थ्रेट ऑफ द एनवायरमेंट, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। बाढ़ एक जैविक आपदा है। फ्लड इज ए बायोलॉजिकल डाइजेस्टर, जैविक नहीं प्राकृतिक आपदा है, तो ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जैव मंडल से आप क्या समझते हैं। देखो स्थल मंडल, जल मंडल, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बायोस्फीयर, तो जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, या हम कहते हैं लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल मिलकर जहाँ पर भी जीवन संभव है, इन तीनों को मिलाकर प्राकृतिक वनस्पति के साथ इंट्रैक्शन, प्राकृतिक जो भी जीव जंतु आपस में इंट्रैक्शन करके जो भी चीज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जहाँ पर जीवन संभव है उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेशनल पार्क, जिसे राष्ट्र की शासन प्रणाली के द्वारा क्या किया गया, संरक्षित किया गया है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर क्या किया गया, कुछ एरिया को संरक्षित किया गया है जिससे बाकी लोग उन्हें खराब ना कर सके, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। रक्षक मेखला को परिभाषित कीजिए। डिफाइंड शेल्टर बेल्ट, पवन की गति को रोकने के लिए फसलों के बीच में बड़े बड़े पेड़ों की, फसलों के बीच में क्या लगाया जाता है, बड़े बड़े पेड़ों की कतार लगाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड इन राज्यसभा, 233 लोगों को। लोकसभा में बहुमत के लिए कुल कितने सदस्यों की आवश्यकता है। हाउ मेनी मेंबर आर रिक्वायर्ड फॉर द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, 272। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पृथ्वी पर जल की मात्रा को न बढ़ाया जा सकता है न ही घटाया जा सकता है, इस कथन के बारे में आप विश्लेषण कीजिए। द अमाउंट ऑफ द वाटर ऑफ द अर्थ कैन नाइदर बी इंक्रीज नॉर डिक्रीज, एनालाइज द स्टेटमेंट, तो देखो बिल्कुल सही है, पानी को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि पानी की मात्रा क्या है, अमाउंट क्या है, स्थिर है, और प्रचुरता में भी, हालांकि अलग अलग तालाब, नदियों, अलग अलग जगह पर पानी मिलता है, लेकिन क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है, वर्षण, देखो क्या होता है, जल चक्र जिसे हम पढ़ते हैं, वाटर साइकिल पढ़ते हैं, क्या होता है, पानी अगर समुद्र में आया, समुद्र से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेट होगा, क्लाउड्स बन जाएंगे, क्लाउड से फिर रेन होगी, वर्षण होगा, वापस वो पानी नदी में आ जाएगा, तो ये क्या है, एक जल चक्र है, जिसकी वजह से जल की मात्रा क्या रहती है, सीमित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यदि आप भारत के पर्यावरण या वन जलवायु मंत्री होते तो वनों के संरक्षण के लिए आप कौन कौन से कदम उठाते। देखो राष्ट्रीय उद्यान लगाते, लोगों में जागरूकता के कार्यक्रम लगाते, और सामाजिक वानिकी, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने की कोशिश करते, लोगों में क्या इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताते। इफ़ यू आर द मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट ऑफ इंडिया, व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू द कन्वर्जेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिस्क्राइब, अभी मैंने आपको समझा दिया ये। मृदा संरक्षण के 3 उपाय बताइए। गिव 3 मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन, तो देखो मल्च बनाना, जुताई करना, वैदिका फार्म करना, ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएंगे। इजी में लिखना है तो ढलान कृषि करना, संघन वृक्षारोपण करना, अतिचारण जो ज़्यादा चराया जाता है गाय भैंसों को, उनको क्या करना, रोकना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्लासी का युद्ध भारत
में कंपनी में बड़ी जीत थी। इस कथन में आलोक में प्लासी के युद्ध के महत्व को बताइए कि प्लासी का युद्ध जो भारत में बड़ी जीत थी। द बैटल ऑफ द प्लासी वॉज द ग्रेट विक्ट्री ऑफ द कंपनी ऑफ इंडिया कंपनी इन इंडिया। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी इन लाइट टू द स्टेटमेंट, कि आपको किस तरह से वो इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले जो प्लासी की जीत प्लासी का युद्ध था वो भारत में पहली जीत थी। इससे क्या हुआ, प्लासी जो अंग्रेजों के लिए उन्होंने क्या किया, भारत में रस्ते खुल गए। सेकेंड क्या कहा, बंगाल में विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण हो गया था। भारत में होने वाली आमदनी में कंपनी और व्यापार की फौज दोनों को ही संभाले, मतलब कंपनी भी संभालने लगी, फौज भी संभालने लगी। आमदनी जितनी आमदनी हो रही थी वो भी कंपनी के पास जाने लगी। तो इससे सबसे मेन जो बात थी कि इंडिया में जो अंग्रेज था, अंग्रेजी कंपनी थी, उसको क्या मिल गया, रास्ता मिल गया सेट होने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विलय की नीति में भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार को किस प्रकार की भूमिका मिली। व्हाट काइंड ऑफ डिड द रोल द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स प्ले एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश इन रूल। देखो क्या, कब से स्टार्ट हुई थी, 1848 से स्टार्ट हुई, 58 तक चली थी, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और इसके अंदर क्या था कि अगर किसी भी राजा का अगर कोई पुत्र संतान नहीं होती है, पुत्र वारिस नहीं होता है, तो उसकी जितनी भी रियासत होगी वो अंग्रेजों द्वारा हड़प ली जाएगी, अंग्रेजों को दे दी जाएगी। तो ये नीति थी जिसे कहा गया था विलय की नीति कहा गया था। इसने बहुत ज़्यादा क्या किया, बहुत सारे शासक ऐसे थे जिनके क्या था, जिनके ये कह दें कि पुत्र संतान नहीं थी, तो उनकी सारी की सारी जितनी भी रियासतें थी वो सब कहाँ ले ली गई थी, अंग्रेजों द्वारा हड़प ली गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी है हमारा। यहाँ पे बाजारों पर कब्जों की होड़ से 17वीं और 18वीं सदी ने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। इस कथन की पुष्टि कीजिए। द अर्ज ऑफ द स्क्योर मार्केट एंड द फेरसेस बैटल बिटवीन द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी बिटवीन 17th and 18th century जस्टिफाइड योर स्टेटमेंट। देखो क्या हुआ था, सबसे पहले सभी जो कंपनियाँ थी, जितनी भी कंपनियाँ थी, सभी कम दाम पर चीज़ों को खरीदना चाहती थी। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी, होड़ बढ़ी, जब कॉम्पिटिशन आया, उसकी वजह से क्या हुआ, चीज़ों के जितने भी दाम थे वो बढ़ने लगे और बाजारों में क्या लग गई, होड़ लग गई। अब लोग एक दूसरे के क्या करने लगे, अपना सामान बेचने के लिए दूसरों के बीच में काम में रुकावट डालने लगे। और जिन जो जहाज आते थे एक से दूसरी जगह, उनको क्या करने लगे, एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज को क्या करने लगी, डुबाने लगी। तो ये क्या हुआ, ये सारा जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद देखते हैं इसके और में क्वेश्चन दिया गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़े एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। इस कथन की व्याख्या कीजिए। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द ट्रेडिंग कंपनी टू द टेरिटल कॉलोनियल पावर। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, किस तरह से एक छोटी से कंपनी से एक बहुत बड़ी औपनिवेशिक शक्ति किस तरह से बन गई। क्योंकि देखो 16th century में क्या किया था, उन्होंने व्यापार को चार्टर कर दिया था, मतलब पहले छोटा से लेवल पर था, फिर हाई बड़े लेवल पर कर दिया था। और उसके बाद भाप शक्ति आ गई थी, मतलब कि भाप से चलने वाली गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई थी, जिससे समुद्र में जो नावें वगैरह थी वो सब क्या चलने लगी थी, शिप जो थी वो भाप से चलने लगी थी। इसके कारण यात्रा करने में समय, पहले एक देश से दूसरे देश में जाने में बहुत समय लगता था, लेकिन जब भाप शक्ति आ गई तो यात्रा में कम समय हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी जो है हेल्प मिली और वो क्या बन गया, औपनिवेशिक शक्ति बन गया। भारतीय संविधान की विशेषताओं का संक्षिप्त नोट लिख दिया। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो सबसे पहले संघवाद आ जाएगा, संसदीय शासन प्रणाली आ जाएगा, शक्ति का बंटवारा, मतलब इंडिया अगर हम भारत की बात करते हैं तो इसमें क्या है, शक्ति का बंटवारा है, केंद्र शासन इस तरह देखे, राज्य शासन इस तरह से, कार्य प्रणाली अलग अलग तरीके से क्या है, विभाजन किया गया। और इसके अलावा मौलिक अधिकार, इनको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, मैंने यहाँ से पॉइंट में बता रही हूँ। मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, वो सबसे ज़्यादा समानता का अधिकार, साक्षरता, सब चीज़ें सभी में समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये काफ़ी सारे अधिकार हैं जो क्या करते हैं, संविधान को क्या करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11th में एक पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कहा गया, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, एक। किसी एक राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष माना जाता है, किसको सत्ता पक्ष माना जाएगा, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक जो होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, जो जीत जाते हैं उन्हें हम सत्ता पक्ष कहते हैं, और उस सामने आधे से जिसके कम होते हैं उन्हें विपक्ष कहा जाता है। किस दल को विरोधी पक्ष कहा जाता है, देखो विरोधी पक्ष आएगा, जिस दल के विधायक आधे से कम होते हैं निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें हम क्या कहते हैं, विरोधी पक्ष कहते हैं, विपक्ष भी कहा जाता है उन्हें। उसके बाद कौन सा कथन सत्य नहीं है, भारत में हर राज्य कई विधान क्षेत्रों में बटा होता है, ये स्टेटमेंट से, चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, ये भी से, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जो उन्हें जनता का प्रतिनिधि विधायक कहा जाता है, ये भी से, भारत में हर राज्य में दो विधानसभा, ये स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। सी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में भी सेम है, रीड कर लेते हैं। How many representative are elected by the constitution? One. Which political party considered in the ruling party the political party whose MLA win or then more than half of the constituency? Next देखते हैं, which party is called by the opposition party the political party which MLA win less than the half of the constituency? Next देखते हैं, which of the following statement is not true? Every state
इन इंडिया हैज टू लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम यहाँ पे, पैराग्राफ दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में भी, उसके आंसर देखते देखो। स्थल मंडल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? स्थल मंडल ठोस परपटी होते हैं, स्थल मंडल चट्टानों और खनिजों से बना होता है, स्थल मिट्टी के पतली परत से ढका होता है। तीनों ही स्टेटमेंट सही। स्थल मंडल एक नियमित सतह है, नियमित नहीं ना, ऊपर खापड़ है, ऊपर नीचे है ना, तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नदी डैश है, नदी क्या है, एक जल मंडल का भाग है। जल मंडल का क्षेत्र है समुद्र, झील, महासागर, सभी में क्या है, जल मंडल है। पृथ्वी की सबसे ठोस परपटी को स्थल मंडल कहते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट करेक्ट, यहाँ पे रखेंगे नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लिथोस्फेयर, इट इज ए इवन सरफेस। रिवर इज ए पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर, रीजन ऑफ हाइड्रोस्फेयर इज ऑल ऑफ अबव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेक, ओशन, सी, सभी क्या है, हाइड्रोस्फेयर है। नेक्स्ट देखते हैं, द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके बाद इसके क्वेश्चन देखते हैं। लोग सरकार को मंजूरी कैसे देते हैं? चुनाव में मतदान के द्वारा, उसे जिता कर क्या दिया जाता है, मंजूरी दी जाती है। सरकार कौन बनाता है? जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व का एक समूह, जो जनता जिनको चुनती है वो क्या करते हैं, उनका एक प्रतिनिधित्व का ग्रुप होता है, वो क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, जनता सरकार को किस प्रकार का कार्य नियंत्रित करती है? अपने निर्वाचित प्रतिनिधि, जनता सरकार को किस प्रकार नियंत्रित करती है, अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू पीपल अप्रूव द गवर्नमेंट? बाय द वोटिंग इन इलेक्शंस। हु फॉर्म द गवर्नमेंट? अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। हाउ डज द पीपल कंट्रोल गवर्नमेंट? थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम यहाँ पर, देखो एक पैराग्राफ दिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष का क्या कारण था? देखो, वेतन भत्ते भी ले रहे थे, सेवा शर्तें भी ले रहे थे, धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुँचा रहे थे, तो उपरोक्त सभी, डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 1824 में सिपाहियों की कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिलता है, तो इस हुक्म को मानने से क्यों इनकार किया गया? सिपाहियों को लगता है कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट नष्ट हो जाएंगे, तो उनको सिपाहियों को क्या लगा था कि अगर वो नदी मतलब कि अगर समुद्र पार करेंगे तो उनका धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। किसानों गांवों में किसान क्यों परेशान थे? भारी भरकम लगान, कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। किसकी वजह से? तो उन पर भारी भरकम लगान लग रहा था और कर टैक्स लग रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वट वर द रीज़न फॉर द डिससेटिस्फेक्शन अमंग द सिपॉय वर्किंग द अंडर कंपनी? ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी यहाँ पर आ जाएंगे। वट डिड द सिपॉय रिफ्यूज टू अलाउ ऑर्डर टू द गो बर्मा इन 1824? क्या लगता था उनको? द सोल्जर्स फेल्ट दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड द कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई वर द फार्मर्स अन अपसेट ऑफ द विलेजेस? बिकॉज द हाई रेंट एंड द रिगिड मेथड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे मैप दिए गए हैं, देखो इनके बारे में हमें क्या करना है, मैप में देखना है, तो आइए हम देखते हैं फटाफट। ये देखिए यहाँ पर दिया गया, यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है ये दिल्ली का हो जाएगा, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये कानपुर हो जाएगा, ये यहाँ पे फैज़ाबाद हो जाएगा, ये वाराणसी हो जाएगा, और ये यहाँ पर झांसी हो जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट के पेपर मिल जाएंगे, एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ आप अच्छे से तैयारी करके, पैटर्न सेम यही रहने वाला है, अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू गाइज़।